हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो राधिका हो रही है रेडी, अभी उसको दिखा नहीं सकते, है ना राधिका? रेडी होके फिर आप मिल लेना। तो बस मैं अभी जो हूँ जा रही हूँ ठाकुर जी किचन में, और आज मैं बना रही हूँ टमाटर की सब्जी और चपाती। राधिका वही जब भोग लग जाएगा ठाकुर जी को लेके जाएगी, तो ठीक है राधिका बोलता दो हरे कृष्णा। ठीक है, अभी राधिका रेडी हो जाती है, उसके बाद मिलवाती हूँ। जो अभी दो तीन दिन पहले ठंडी बहुत कम हो गई थी, और आज फिर से जो है फिर से ठंड हो गई है। तो अभी क्या हवा चल रही है बाहर, बहुत ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं अभी दिखाऊंगी कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आज देखो इस तरह से ना ओस जमा हो रही है बाहर, मतलब खिड़कियों पर ओस जमा हो रही है इस तरह से। और मॉर्निंग में मैं इंस्टाग्राम की एक छोटी सी रील बना रही थी, तो ये उसी का एक छोटा सा जो एक क्लिप है, तो आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पर धो रही हूँ पालक, और पालक को वॉश करके जो है अभी मैंने डाल दिया है इसको कुकर में। और ये जो पालक आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी है ना, देखो ऐसे है, एकदम बेबी पालक है, बिल्कुल भी इसमें घास वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकली है। और हमारे यहाँ पे ना एकदम खेतों से आती है इस तरह से, जैसे आप देखोगे आप सब लेते होगे तो वहाँ बंडल्स में आती होगी, और यहाँ पे ना एकदम ऐसे ही आती है, और ऐसे खुली खुली ही आती है, क्योंकि एकदम जो खेत होते हैं ना वहाँ से ऐसे आती है एकदम। और बंडल्स में समटाइम लाती हूँ, लेकिन अभी तो एकदम फ्रेश आ रही है, तो अभी यही बाय कर रहे हैं। और ठाकुर जी के लिए जो है पालक और पनीर बना रही हूँ आज मैं, तो चलिए अभी मैं उबाल लेती हूँ उसको। और आप सबको बताया था कि ट्राइपॉड जो है वो ब्रेक हो गया है, तो अभी ये वाला जो है मैं लगा रही हूँ, बट ये कुकिंग वीडियोस के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद अभी एक शूट कर रही हूँ, पालक पनीर की रेसिपी जो है मैं अभी शूट कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, और बहुत ही खुशी से बना रही हूँ, और बहुत दिल से बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी हाँ इस वाली वीडियो में, लेकिन मैं थाली ज़रूर दिखा दूँगी कि कैसा बना है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी पालक को मैंने कुकर में रखा है, पनीर मैंने मॉर्निंग में जब राधिका को स्कूल छोड़ने से पहले ही निकाल दिया था। और बस अभी हम तड़का लगा रहे हैं थोड़ा टमाटोज का, उसके बाद फिर मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, और फिर ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। आटा मैंने गूंध दिया है मॉर्निंग में, तो ठीक है हरे कृष्णा। लग तो गया, बस ये देखना है कि कैसे करके इसको एडजस्ट करना है फॉर कुकिंग वीडियोस। राइट, चलिए अभी हम कर लेते हैं। ठाकुर जी बैठे हैं, और एक आँख में से मेरा लाइनर चला गया, एक मैं तो देखो लाइनर लगाने से मतलब काजल मैं नहीं लगाती हूँ, तो मेरी आइज ऐसे लगती है। जब लगाने स्टार्ट हो जाओ ना और फिर आप नहीं लगाओ, तो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन आँखों में अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो ये डिफरेंस लगता है। आप देख सकते हैं मेरी एक आइज़ छोटी लग रही है, एक आइज़ बड़ी लग रही है, मतलब तो नहीं कैसे लगता, पर होता है लगता है। अगर मैं जिस दिन आई लाइनर नहीं लगाती हूँ, वैसे तो मैं लगा ही लेती हूँ ज़्यादातर, अगर मैं जैसे नहीं लगाती हूँ ना काजल या आई लाइनर नहीं लगाती हूँ ऊपर में, तो मुझे कम से कम 5-6 लोग पूछ लेते हैं आर यू ओके, तो मुझे मेरी तबीयत जैसे लग, सबको ऐसा लगता है मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन हाँ जब मेरी तबीयत सच में ख़राब होती है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना। तो लेकिन जब मैं नहीं लगाती हूँ तो आप देखो डिफरेंस आप खुद देख सकते हो दोनों आइज़ में, कि लाइनर लगाने से मेरी एक आइज़ बड़ी लग रही है, वैसे भी थोड़ा डिफरेंस होता ही आई थिंक राइट एंड लेफ्ट में। तो ये बिना आई लाइनर की और ये लाइनर की। चलिए मैं अभी कुकिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हरे कृष्णा। और सोच रही हूँ आज ये लाइट्स लगा ही लूँ, अगर इसके ऊपर लगाती हूँ तो बहुत ही भरा भरा लगेगा, मतलब ऑल्टर के ऊपर लगाती हूँ, तो सोच रही हूँ या तो दीवार के पीछे लगा दूँ इस तरह से लटकते लटकते से, लेकिन मेरे को किसी ना किसी का हेल्प चाहिए होगा, अकेले मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कोई ना कोई तो कुछ पकड़ेगा ना नीचे से, पता चले चाहिए। जैसे राधिका भी अगर घर पर होगी तब भी मैं लगा सकती हूँ, ताकि वो मेरी कुर्सी तो पकड़ ले कम से कम। लेकिन वैसे तो अगर मैं लुढ़कूंगी तो वो मुझे बचा नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे करना है। और टेप से चिपकाएंगे तो उतर भी सकता, क्योंकि थोड़ा हैवी है, तो देखना पड़ेगा, तो या फिर प्रभु जी आएंगे तभी लगाएंगे। तो
इसको आज मुझे लगाना है। मेरा दिल तो हो रहा है कि मैं ऑल्टर में ही लगाऊं, तो मैं लगा के देखूंगी ऑल्टर में पहले कैसा लग रहा है। फिर ये ब्लैक वाली जो है वो मुझे हटानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी दो दो लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर ये ब्लैक वाली फिर मैं या तो करूँगी ऊपर लगा दूँगी इसको, क्योंकि ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। और वैसे तो मुझे जो कलरफुल वाली जो लाइट्स होती है वो कम पसंद आती है, लेकिन ये वाली जो है ना बहुत अच्छी है। ऐसे तो मैंने हटाया ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इसे हटाने की सोचती हूँ तो मुझे वो कार्तिक के डेज रिमेम्बर हो जाते हैं, और फिर मैं इसे हटाती ही नहीं हूँ। और ये मैंने लास्ट टू लास्ट कार्तिक लगाई थी, बस इसी को मैं ऐसी एडजस्ट होकर के क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन हटाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और बाकी जो है ना ये सब मैं हटा दूँगी, पता नहीं मैं क्यों नहीं हटा रही हूँ, बार बार क्लीन करके लगा देती हूँ क्योंकि सुंदर लगता है, या तो इसलिए भी रहने देती हूँ। तो ठीक है, तो आज हम इसको लगा के देखेंगे, लाइट्स को यहीं लगा के देखेंगे, इसी के ऊपर लगा के देख लेंगे पहले हल्का सा, अच्छा लगेगा तो आप बताना, नहीं तो फिर हम कहीं और लगा देंगे। हरे कृष्णा। और राधिका ने जो है, मैंने ये सारे के सारे जो मोर वगैरह ना अंदर रख दिए थे, क्योंकि इसका थोड़ा सा पेंट जो है ना थोड़ा हल्का हल्का सा ख़राब हो रहा है, बट उसने निकाल दिया, वो कह रही मैं इसे रीपेंट करूँगी। अभी तो देखिए आप ऐसे लग रहे हैं, अब ये पेंट होने के बाद आपको कैसे लगेंगे कोई गारंटी नहीं है, तो आप देख लीजिए, या तो मैं इसके साथ बैठूँगी मैं करवाऊँगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे, और ये पैर ठीक है, और थोड़ी मैंने बत्तियाँ बना के रख दी थी ठाकुर जी की, क्योंकि काफ़ी दिन से तो मेरी तबीयत ख़राब है, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना है कि मैं थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी। तो चलिए अभी हम सेवाएं कर लेते हैं धीरे धीरे करके, और पालक पनीर की रेसिपी बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी के दर्शन भी कर लीजिए आप। तो मैं बैठ गई हूँ 2 मिनट के लिए, अभी थोड़ा सा बॉयल आएगा तब उसमें पनीर ऐड कर दूँगी। तो एक बात मुझे याद आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो एक दो दिन पहले ना मैं कमेंट रीड कर रही थी, तो कमेंट जो था वो था तो नहीं हूँ, लेकिन वो पुराने ब्लॉग पे आया था, जो मेरे रूटीन ब्लॉग है ना पुराने वाले, जब मेरा नया नया चैनल स्टार्ट हुआ था उस पे आया था, तो बहुत ही प्यारा कमेंट था। और उसमें जो है माता जी बता रहे थे कि वो फॉरनर डिवोटी हैं, और सबसे बड़ी बात है वो रशियन डिवोटी, तो मेरे लिए जो है वो रशियन समझना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, बट उनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ में आता है, तो माता जी बहुत उसमें मतलब जैसे वो लिख पाए उन्होंने वो लिखा कि हमारा जो चैनल है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, और लैंग्वेज उनको मतलब जब मैं बोलती हूँ वो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बस वो कहते हैं कि जैसे राधिका है या मतलब मैं हूँ, तो हम जैसे स्माइल करते हैं या फिर कुछ आरती करते हैं, तो वो कहते हैं मुझे जब मैं ये देखती हूँ कि आप इंडिया में हो और आप वहाँ पे जैसे शिला प्रपात जी बताते हैं वो फॉलो कर रहे हो, और मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर जो है आप ये सब प्रोसीजर करती हूँ, तो मैं इतना बड़ा कनेक्शन फील करती हूँ आपके साथ। और सच में मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा ना, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ, इतना कनेक्शन फील हुआ, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी कोई गुरु बहन जो है वो इतनी दूर पर बैठ के मुझे मैसेज डाल रहे हैं। और उनका मैसेज ऐसा था कि अंडरस्टैंड मैं कर पा रही थी, लेकिन उनका जो मैसेज था वो कुछ कुछ इंग्लिश में था और अच्छा था, तो बट मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ इस व्लॉग में, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे वो, अगर ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि मैं आपके हर व्लॉग को देखती हूँ, जैसी कोई व्लॉग आता है मैं उसको ज़रूर ज़रूर देखती हूँ। तो माता जी जो हैं वो काफ़ी थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और उन्होंने ना 5-6 वर्ड्स जो हैं हिंदी के वो भी लर्न किए हैं कि 5 वर्ड कौन कौन से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे जित कई हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मतलब फॉरनर्स हैं, बट फिर भी वो हमें देखते हैं, क्योंकि हम शिला प्रपात जी का परिवार हैं, हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग हों लेकिन हरे कृष्णा। सो टुडे आई वांट टू गिव अ मैसेज टू माय इंटरनेशनल सब्सक्राइबर, एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इफ यू, इवन दो यू आर वॉचिंग माय व्लॉग्स, इट्स यू नो बिगेस्ट थिंग फॉर मी, एंड श्योरली आई विल प्रे फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर योर लव, थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू विल achieve that eternal love of Srimati Radharani, and you
एंड यू विल बिकम डियर टू शिला प्रपाद एंड प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड आई विल कीप यू इन माई प्रेयर्स. तो थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए अभी हम इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपसे बात करते करते तो मुझे समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, लेकिन हमें जो है सारी की सारी सेवाएं बिल्कुल समय से करनी होती हैं, है ना. तो समय से कर लेंगे तो हमें फिर अपने लिए भी समय मिल पाता है. तो चलिए अभी यहाँ पे तो मौसम के ये हाल है. अभी धूप, आज तो मुझे धूप दिख रही है, लेकिन 3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं थी. और ठंड जो है वो बैक वापस से आई है, मतलब गर्मी हो गई थी, अभी फिर से ठंड जो है दोबारा से उन्होंने बैक किया है. तो चलिए, और राधिका के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो, और काफ़ी बिल्कुल क्लोज हैं. तो मैं कोशिश करूँगी जब वो स्कूल में हो तब मैं व्लॉग शूट कर लूँ, एडिट कर दूँ. चलिए अभी हम जो है सब्जी को बना लेते हैं, बस उसमें पनीर ऐड करना रह गया, वो भी कर लेते हैं. और अब कर लिया था कपड़े फोल्ड लगाने वाले रह गए हैं, जो कि मुझे आपको पता है बहुत ही बहुत बोर सेवा लगता है, बट वो करेंगे. हम लेक्चर लगा लेंगे और उसके साथ साथ में फोल्ड कर लेंगे. ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े से हैं, 10 मिनट में फोल्ड हो जाएंगे. और यूटेंसिल्स ऑल डन हैं और रूम सेट हैं और सब कुछ हो चुका है, बस कपड़े वॉश करने हैं. और अभी मैं कपड़े वॉश नहीं करूँगी क्योंकि प्रभु जी अभी है नहीं, और प्रभु जी जब आएंगे तो प्रभु जी के कपड़े बहुत सारे 3-4 जोड़ी कपड़े उनके भी होंगे, तो मैंने सोचा कि साथ में ही धो लूँगी. तो कई सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे कि माता जी आपको बंगाली आती है, तो मुझे ना बंगाली जो है वो समझ में आ जाती है, आई अंडरस्टैंड इट, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ. उड़िया बंगाली मैं मतलब समझ लेती हूँ, और कभी कभी तो मुझे उड़िया भाषा में लिखे हुए मैसेज भी आते हैं. तो पहले तो मैं उनको देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते, फिर मैं उसको ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर ट्रांसलेशन करके फिर मैं उनका रिप्लाई देती हूँ. तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए मैं ट्रांसलेशन करके. और कभी कभी मुझे दूसरी भाषा में भी आते हैं, तो कोई कोई तो मुझे समझ में आ जाते हैं, कोई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं. इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदी इंग्लिश लिखना मुश्किल है, जैसे कि हमारे लिए रशियन लिखना मुश्किल है, तो वो लिख देते हैं, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की टेक्निक का, जिससे कि सब हो जाता है. तो फिर उसके बाद रिप्लाई देती हूँ. तो ठीक है, आप सब जो है अच्छे से अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एक और चैनल है मेरा जिसका नाम है सिंप्लीफाई विद अंजना गोपी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि माता जी आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते के साथ ही आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं. तो वहाँ पर भी मैं रील्स डाल देती हूँ बीच बीच में, जब भी टाइम मिलता है कुछ एनिमेटेड डालती हूँ, कुछ अपने डे टू डे की डालती हूँ, कभी दर्शन डालती हूँ, जो भी डालूँगी आप देख लेना, फॉलो कर लो, आपको मिल तो जाएगा ही फिर. तो ठीक है, हरे कृष्णा. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. तो ठीक है, आज अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगी रहिए. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. गौर भक्तविंद की जय. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा लिए, और मैंने जो तुलसी पत्र डाले हैं वो आपको दिखा देती हूँ, छोटे छोटे डाले हैं. और क्योंकि तुलसी महारानी जो है काफ़ी ज़्यादा सूख रही हैं, तो मैं अभी जो है ना उसमें से तुलसी पत्र अभी प्लक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, तो जो मेरे पास स्टोर्ड है ना मैं वही वाले यूज़ कर रही हूँ. चलिए अभी हम ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं.